हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथपो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के डीसीपी नंबर 5 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ये, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये, और इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा बट एक्स से डिवाइड करके। अब हम एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स प्लस वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड। और यहां पर अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो आई एम गेटिंग दिस। नाउ द एंटायर इंटीग्रल 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये तो dt बन गया, ये बन गया t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो t स्क्वायर बन गया। तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस। अब मैं tan इनवर्स t को z रख देता हूं, तो डिफरेंशिएट करने पर हमें ये मिल गया। तो द इंटीग्रेशन बिकम्स विच इज ln mod z। z क्या है? tan इनवर्स t, और t क्या है? x प्लस 1 बाय x। तो द आंसर इज दिस। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं डिनोमिनेटर में से एक्स रेज टू पावर 2008 बाहर निकालूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 1, और इस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस 2007। अब इस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2007 को हम रख देंगे टी, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ये माइनस 2007 को मैं डीटी के नीचे लेके जाऊंगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो डीएक्स बाय एक्स रेज टू पावर 2008 बन जाएगा, जो कि ये रहा। तो द इंटीग्रल बिकम्स दिस। अब टी क्या है? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2007। टेक्निकली आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है हम इसको उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स रेज टू पावर 2007। एलसीएम फेलसीएम लेंगे अब, ये माइनस को अंदर भेजूंगा तो अंदर वाली क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है वो चाहता है कि हम इस तरह से चीजों को सिंप्लीफाई करें। अब यहां से देख लो तो P की जगह 2007, Q की जगह 2007, R की जगह 2007, P प्लस Q प्लस R विल बी 2007 प्लस 2007 प्लस 2007, बोले तो 6021। आगे बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। फॉर्म 5 का काइंड ऑफ वेरिएशन है ये, मैं ये डिनोमिनेटर से एक्स बाहर निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर बन के निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? इधर
एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स। हमने एक्स बाहर निकाला है, ये स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर बन के निकला। अब एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगा, ये जो क्वांटिटी है ना इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, और यही इस क्वेश्चन की सबसे अमेजिंग चीज है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इंटीग्रल बिकम्स दिस, और ये होता है दिस। टी क्या है? दिस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल की तरफ। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। मैं डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो एक्स रेस्ट टू पावर 3 बन के निकलेगा, क्योंकि यहां पर पावर कितना है? 3/2। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स दिस, अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब इस क्वांटिटी को हम रख देंगे टी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये। हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो है एक्स रेस टू पावर -3 प्लस एक्स। तो द इंटीग्रल बिकम्स ये -1/2 से ये -1/2 कट जाएगा। टी क्या है? एक्स रेज टू पावर -2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लिखा है तो इसको C1 लिख देते हैं, खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वॉट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज कि f(0) = 0 है। ये fx है, और अगर f(0) = 0 है तो यहां आ गया अपने पास कि c1 = 0, क्योंकि f(0) = 0 है। तो fx ये आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है? fx का जो इंटीग्रेशन है वो है gx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर को रख देते हैं टी, ये है साइन इनवर्स टी, और टी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि C2 दे रखा है। एक इंफॉर्मेशन और है कि g(0) भी 0 है, तो x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो यहां से हमारे पास C2 भी 0 आ गया। सो gx इज दिस, हमसे पूछा गया है g(1/√2) की वैल्यू। साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, तो π/12 इज आर आंसर। बस समझ में आई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।